धान लगाओ, गेहूं लगाओ, लगाओ आलू गोभी, पर फसलों का ध्यान रखना, लगाओ आप जो भी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार नमस्कार। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के मछली पालकों को 2 और 5 दिवसीय प्रशिक्षण देने की है योजना। बरसात में सब्जी फसलों की खेती के लिए चुने ढलुआ खेत। झारखंड में बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण श्यामली। अब समाचार विस्तार से। राज्य के मछली पालकों को 2 दिवसीय और 5 दिवसीय प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की गई है। जिन मछली पालकों के पास निजी तालाब हो या वे सरकारी जलकर के पट्टेदार हों, या जिनके पास हिस्सेदारी का तालाब हो और वे मछली पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हों, वे इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो मछली पालक पहले प्रशिक्षण प्राप्त हैं उनके लिए 2 दिवसीय और जो नए हैं उनके लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के जो मछली पालक इस प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं वे अपने जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन देकर अपना नाम सूचीबद्ध करा लें। किसान भाइयों, सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। जो किसान सिर्फ खेती कर रहे हैं वे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसमें एक उपाय ये भी है कि खेती की लागत कम करने और उपज की कीमत बढ़ाने के लिए जैविक खेती अपनाएं। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का है कि 2022 तक उत्पादन दुगना करना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आज के देश में उत्पादन की मूल्य का कैसे कम किया जाए, इनपुट कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। तो इनपुट कॉस्ट का कम करने के लिए जो हमारे पास संसाधन है, लोकल संसाधन है, उस पर निर्भर हमको जैविक खाद और जैव दवाओं का इस्तेमाल करना होगा। और उनके द्वारा जब हम इनपुट कॉस्ट को हम रिड्यूस कर देंगे तो उत्पादन जो भी मार्केट में जब जाएगा, और जैविक खेती जहाँ तक है, जैविक खेती से सिर्फ इनपुट कॉस्ट ही नहीं कम होता है, मार्केट में उनका दाम भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम 2022 तक हम दुगना जो दुगना लक्ष्य रखा गया है उसको आराम से प्राप्त कर सकते। बरसात के मौसम में जलजमाव के कारण अधिकांश सब्जी फसलों में गलन की समस्या आती है। इसके निदान के लिए किसान ढलुआ जमीन में सब्जी की खेती करें, साथ ही जल निकास की उत्तम व्यवस्था रखें। टमाटर जैसे छोटे पौधों को लकड़ी से बांधकर और धनिया पत्ती को छपरी बनाकर सहारा दें। अदरक की बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें। जब ऐसे समय में आप इन सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं टमाटर या धनिया पत्ती की, तो ऐसे समय में आप टमाटर जैसे पौधे में स्टैकिंग या उसे सहारा देने की व्यवस्था जरूर कर लें, ताकि वो पौधे नीचे गिरकर ना आए और जिससे फूल जमीन के कॉन्टैक्ट में आकर सड़े नहीं। और धनिया पत्ती की जब आप खेती करते हैं तो आप इसमें हल्के छपरी डालने की व्यवस्था करें। और साथ ही साथ आप अदरक में भी देखेंगे, इसमें भी गलन की समस्या होती है, तो इसके लिए आप वेविस्टीन या रेडोमेल से बीज को जरूर उपचारित करके लगाएं और साथ ही साथ पानी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था जरूर कर लें। खरीफ के मौसम में बैगन की खेती के लिए जुलाई महीने तक बुआई का काम पूरा कर लें। झारखंड में बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए मुरझा रोग रोधी प्रभेद स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण मणि, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण शक्ति या स्वर्ण अजय लगाएं। किसान भाई, बरसात में बैगन फसल से ज्यादा उपज लेने के लिए अपनी स्थिति और इच्छा के अनुसार सामान्य या संकर कोई भी प्रभेद लगा सकते हैं। बैगन के सामान्य प्रभेद की बुआई में 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेद की बुआई में 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेद की बुआई में कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें, जबकि संकर प्रभेद की बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 60 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। बैगन में मुरझा रोग ना हो इसके लिए बेहतर उपज देने वाले मुरझा रोग रोधी प्रभेद लगाएं। ये प्रभेद कौन से हैं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। अभी जो बरसात के मौसम में बैगन की खेती के लिए किसान भाइयों को सबसे अधिक जिस बात का ध्यान रखना होता है कि मुरझा रोधी किस्मों का चुनाव करना होता है, जिनमें से हमारे क्षेत्र में प्रचलित स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण मणि,
स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण शक्ति, स्वर्ण अजय, ये प्रजातियाँ सभी मुरझारोधी हैं और अभी के मौसम में लगाने के लिए उपयुक्त। वर्मी ट्रेटा बेड उस कृषि उपकरण का नाम है जो केचुआ खाद बनाने के काम में आता है। ये प्लास्टिक का बना चौकोर हौजनुमा संरचना होता है जिसमें गोबर, मिट्टी, केचुआ सहित अन्य आवश्यक सामग्री डालकर वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाया जाता है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में लगने वाले कीट माहो और माइट की रोकथाम कैसे करें। बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट की रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीट भी नहीं लगते हैं। 2% नीम के तेल का व्यवहार भी फल छेदक कीट के रोकथाम में कारगर होता है। यदि पत्तियां रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोफिड 17.5 दवा 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम 2,450 रुपए से 2,900 रुपए, गेहूं 1,970 रुपए से 2,350 रुपए, दाल अरहर 6,370 रुपए से 6,800 रुपए, दाल मसूर 6,520 रुपए से 6,900 रुपए, दाल चना 7,760 रुपए से 8,450 रुपए, सरसों तेल 9,800 रुपए से 10,600 रुपए, चीनी 4,000 रुपए से 4,450 रुपए, आलू 1,030 रुपए से 1,250 रुपए और प्याज 1,060 रुपए से 1,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बारी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। अरे अरे, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हम तुरंत हाजिर होते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी, इसने पिला दिया ना तुझे पानी। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, जानकारी की बारी है। आप मक्के का स्वाद भी लेने लगे हैं, तो क्यों ना हम मक्के से संबंधित ही जानकारी आपको दिलवा दें। जी हाँ, आज की जानकारी है खरीफ मक्के की उन्नत खेती व प्रभेद के बारे में। जरा गौर से देखिए। मक्का खरीफ ऋतु की एक प्रमुख फसल है। किसान भाई झारखंड में खरीफ के मौसम में मक्का की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। अब मक्का को कॉर्न, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न इत्यादि अनेकों रूप में पहचान मिल चुकी है, इसलिए इसकी मांग भी बढ़ी है। मक्का की खेती से अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए सही भूमि का चुनाव, खेत की तैयारी,
एवं संतुलित उर्वरकों का उपयोग की जानकारी जरूरी है। झारखंड के किसान खासकर ऊपरी भूमि में मक्का की खेती बहुत ज्यादा करते हैं, तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो मक्का लगा रहे हैं उसके लिए उचित प्रभेद का चुनाव करें, किस प्रकार से खेत की तैयारी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको उत्पादन प्राप्त हो। किसान भाइयों को चाहिए कि अब खरीफ के मौसम में जैसे जून लास्ट तक किसान भाइयों को चाहिए कि मक्का लगा देना चाहिए, तो इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि दो बार अच्छी प्रकार गहरी खेत की जुताई कर लें और उसके बाद पाटा लगा के खेत को तैयार कर लें। खेत की तैयारी के समय ही किसान भाइयों को 5 टन या 10 टन सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए, क्योंकि जीवांश पदार्थ की उपलब्धता जब होती है तो उसके कारण मक्का में ये पाया गया है कि उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है, किसान भाइयों को ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होना चाहिए। मक्के की खेती करने से पहले मिट्टी की जाँच अवश्य करवा लें। अम्लीय मिट्टी होने की अवस्था में खेत में चूना का प्रयोग अवश्य करें। पौधों की सही बढ़वार के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग के साथ साथ पौधों की संख्या, उनकी दूरी एवं कतार से कतार के बीच के अंतर को सही रखें। नाइट्रोजन का उपयोग 3 भागों में बांटकर करें ताकि समयानुसार पौधों को पोषण मिले और भुट्टे पुष्ट हों। खरीफ के अगर मौसम में किसान भाई मकई को लगा रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि खरीफ के मौसम में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर 66,000 पौध संख्या जरूर से जरूर रखनी चाहिए। इससे कम पौध संख्या रखने पर उनका उत्पादन घटता है या उससे ज़्यादा रखने पर भी सघनता ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण पौधों में न्यूट्रेंट के लिए, लाइट के लिए कंपटीशन होने लगता है, तो उसके कारण भी उत्पादन में गिरावट आती है। तो खरीफ के मौसम में किसान भाइयों को 66,000 पौधा रखने के लिए किसान भाइयों को 70 सेंटीमीटर की दूरी पे कतार से कतार की दूरी रखते हुए क्यारी खोल लेनी चाहिए तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके अगर किसान भाई चूँकि ऊपरी भूमि में लगा रहे हैं तो लगाते समय किसान भाइयों को फरो में जो क्यारी खोले हैं उसमें 3 क्विंटल चूना, बुझा हुआ चूना किसान भाइयों को खेत में डालना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो ऊपरी भूमि में जो अम्लीयता की मात्रा है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी भूमि जो ऊपरी भूमि है उसमें पीएच 5.5 से 6 के बीच में है, तो उसमें अगर हम लाइम का या चूने का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उत्पादन में गिरावट आती है। मक्के की फसल तीनों ही मौसम में खरपतवारों से प्रभावित होती है। समय पर खरपतवार नियंत्रण न करने से मक्के की उपज में 50-60% तक की कमी आ जाती है। प्रारंभिक 30-40 दिनों तक एक वर्षीय घास व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु एट्राजीन नामक दवा का उपयोग किया जा सकता है। बरसात के कारण ज़्यादा खरपतवार होता है जिसके कारण उत्पादन घटता है, खासकर जो किसान भाई धान के प्रति झारखंड में किसान भाइयों का ज़्यादा झुकाव रहता है, तो किसान भाई मकई लगाने के बाद धान के खेत में रोपनी में चले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उनका पूरा का पूरा खेत मकई का खरपतवार से ढक जाता है और मकई को पूरी तरह से खरपतवार ढक लेती है, जिसके कारण उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा गिरता है। मैं जब भी होता हो तो मैं यही कहता हूँ किसान भाइयों को कि जब भी आप मकई लगाएं उसको मकई लगाने के 1 से 2 दिन के अंदर ही, मकई की जिस दिन बुआई कर रहे हैं उसके 1 से 2 दिन के अंदर आप किसान भाई को चाहिए एट्राजीन, एक केमिकल है जो बाज़ार में उपलब्ध है, किसान भाई उसको लेके 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल के और उसका खेत में छिड़काव कर दें। अगर वो एट्राजीन का प्रयोग करते हैं तो किसान भाई अगर धान की रोपनी के बाद खेत में जब मकई के खेत में आएंगे तो वो 30-40 दिन तक खरपतवार को कंट्रोल किया रहेगा, उसका मकई को बचाव करता रहेगा, तो किसान भाई आएंगे खेत में तो हल्का फुल्का उनको घास दिखाई देगी, तो वो अच्छी प्रकार से उसका निराई गुड़ाई करके और मिट्टी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि 30 दिन पे हमको मिट्टी चढ़ानी होती है, तो जब वो लौट के आते हैं तो उससे खरपतवार से मकई की फसल को हानि नहीं होगी। मक्के की कई उन्नत कंपोजिट संकुल एवं संकर किस्में हैं। श्वान, बिरसा मक्का 1, बिरसा मक्का 2, बिरसा विकास मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2, नर्मदा मोती, चंदन मक्का 1, 2, 3, HQPM 1, HQPM 5 एवं शक्ति झारखंड के लिए मक्के की अनुशंसित किस्में हैं। कंपोजिट किस्में जैसे BVM 2 जो जल्दी तैयार हो जाती है 80 से 85 दिन में, उस किस्म को हम लोग कहते हैं, स्वान को कहते हैं। BM 1 एक किस्म है जो 90 दिन में तैयार हो जाती है, स्वान करीब 100 दिन में तैयार होती है। ये सब कुछ कंपोजिट किस्में हैं जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको किसान भाई लगा के अगले सीजन में भी उसका बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम लोग HQPM 1 वेराइटी को HQPM 5, ये सब हाइब्रिड किस्में हैं जिनको, जिसमें इनको गुणवत्ता युक्त मक्का में रखा गया,
गया, इन किस्मों को किसान भाई लगा सकते हैं। साख और किसान भाई मालवी मक्का दो, ये मध्यम अवधि की किस्म है, इसकी बुआई कर सकते हैं। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिलीज है, इसका उत्पादन कर सकते हैं। और किसान भाई प्रो 311 बायो 96 81 82, इन किस्मों को लगा सकते हैं जो ये प्राइवेट की किस्में हैं, और किसान भाइयों को इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तमाम वैज्ञानिक विधियों के साथ साथ डाउनी मिल्डियो, पत्तियों के झुलसा तथा तना सड़न जैसे रोगों एवं तना बेधक कीट से फसल का बचाव करना काफी आवश्यक है। वैज्ञानिक ढंग से मक्के की खेती कर किसान भाई अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी रही जानकारी? बिल्कुल दमदार है ना। दूसरी जानकारी भी हमारे पास है, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हम जी हाँ तुरंत हाजिर होते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। हाय रे टमाटर, बड़े मज़ेदार। जी हाँ, दूसरी जानकारी हमारा है टमाटर से जुड़ी हुई। जी हाँ, आज की जानकारी है टमाटर की उन्नत खेती व प्रभेद के बारे में। ज़रा चटखारा लेकर जानकारी ले ही डालिए। टमाटर सोलेनेसी कुल की एक प्रमुख सब्जी फसल है। झारखंड की मिट्टी टमाटर फसल के लिए अनुकूल होने के कारण राज्य में टमाटर फसल का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। राज्य में टमाटर की 3 फसल ली जाती है। जून से अगस्त तक टमाटर की नर्सरी तैयार कर 1 माह बाद पौधों की बुआई की जा सकती है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि, अर्का आभा, पूसा हाइब्रिड 1 इत्यादि टमाटर की प्रमुख अनुशंसित किस्में हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी के लिए उपयुक्त है। वैसे तो सामान्य तौर पर आप टमाटर की 3 फसल लेते हैं। अभी आप सीडलिंग उगा रहे होंगे, पौध उगा रहे होंगे। पौध उगाने में आप निश्चित रूप से किस्म का चुनाव कर लिए होंगे। अगर पौध लगाना है अभी भी तो ये अब समझ लीजिए कि अगस्त तक लगेगा, तो अभी से लेकर के जुलाई में भी लगेगा, जून में भी लगेगा। तो आप किस्म का चुनाव सही कर लें, और किस्म का चुनाव में हम किसान भाइयों आपको बताना चाहते हैं कि अर्का आभा का आप चुनाव कर सकते हैं, अर्का आलोक का चुनाव कर सकते हैं, अर्का श्रेष्ठ का चुनाव कर सकते हैं। इन किस्मों का टमाटर का चुनाव। अगर हाइब्रिड संकर किस्म में जाना चाहते हैं तो समृद्धि, संपदा और पूसा हाइब्रिड 1 करके बीज आता है, वो उसका भी चुनाव कर सकते हैं। टमाटर की खेती के लिए जल निकासी वाली जैविक पदार्थों से भरपूर दोमट एवं बलुई मिट्टी अच्छी मानी जाती है। फसल लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लें। पौधों को रोग एवं कीटों से बचाने के लिए कैप्टन या थीरम नामक दवा से बीजोपचार करें। किसान भाइयों, आप कहीं भी खेत की तैयार खेत में लगाएंगे, आपको ये देखना होगा कि खेत कैसा नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा फसल जो है ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी दे। इसके लिए आपको निश्चित रूप से जब आप खेत का चुनाव कर रहे थे उस समय निश्चित रूप से आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जल जमाव ना हो। अभी चूँकि बरसाती फसल है और बरसात में आप ले रहे हैं तो जल जमाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए जल निकासी की सुविधा अभी सुनिश्चित कर लें। बरसात 10 तक दे चुकी है, ये जल निकासी की सुविधा सुनिश्चित कर लें। यहाँ पर सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी अभी, लेकिन आपको पानी की अधिकता हो सकती है, तो ये कर लें। दूसरी बात, आप अगर फसल लगाने जा रहे हो तो बीज का, जैसा कि मैं बताया, बीज के प्रभेद, ये तो आपको चुनाव करके उसके बाद आपको सुनिश्चित करना है कि क्या बीजोपचार किया गया है। आप जब पैकेट खोलते हैं तो उसमें देखते हैं पाउडर जैसा लगेगा, तो अगर पाउडर जैसा लग रहा है तो बीज का उपचार किया हुआ है। अगर नहीं है तो बीज का उपचार सुनिश्चित करें।
हो सकता है आपको पता ना चले, तो निश्चित रूप से आप थीरम या कप्तान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, वो 3 ग्राम से दे करके आप बीज का उपचार कर लें। बीज का उपचार के बाद आपको बीज जनित रोग की संभावना कम होगी। अगर आपने कम से कम 3 साल के अंतराल में एक बार भी मिट्टी की जांच न करवाई हो तो फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें। अनुशंसित मात्रा में ही खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल करें। गर्मी एवं बरसात के दिनों में तना का फली छेदक कीट टमाटर के फल में छेद कर गुदा को खा जाता है। इससे बचाव के लिए नीम निर्मित कीटनाशियों का उपयोग करें या आवश्यकता अनुसार रासायनिक कीटनाशियों का इस्तेमाल करें। पहली बात तो ये कि आप खेत की जुताई सुनिश्चित करें पहले और 15 दिन छोड़ना है। उसके बाद अगर आप गोबर की खाद देना सुनिश्चित कर चुके हों, लगा चुके हों तो, और नहीं तो गोबर की खाद आपको 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद देनी है। उसके साथ हम कहते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे, इसलिए नीम की खली या करंज की खली भी देना सुनिश्चित करें तो ज़्यादा अच्छा है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश की जहाँ तक बात है, इसकी मात्रा सुनिश्चित की जाएगी। मिट्टी जाँच आप करा लिए होंगे, अगर नहीं कराए होंगे तो यथाशीघ्र करा लें। किसी भी कारण से अभी आप हो सकता है नहीं कराए हों और खाद की मात्रा तुरंत देनी है, आजकल में देनी है, तो उस समय हम कहते हैं कि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश के हिसाब से आप देना सुनिश्चित करें। लेकिन हम फिर भी जोर देकर के कहते हैं कि मिट्टी जांच तुरंत करा लें, ताकि कितना चाहिए ये सुनिश्चित हो जाएगा। मिट्टी को कितना चाहिए, कितनी कमी है, ये सुनिश्चित हो जाएगा और उसी के हिसाब से आप देंगे। गुणवत्तापूर्ण फसल के लिए पौधों का स्वस्थ होना जरूरी है। इसके लिए नर्सरी के स्तर पर ही पौधों को स्वस्थ रखने की तैयारी करें। कई बार पानी की कमी न होने के बावजूद भी पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं या जड़ें काली पड़ जाती है अथवा पत्तियों में काला धब्बा पड़ जाता है। इससे बचाव के लिए डायथेन M45 3% दवा का 3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए आपको सबसे अच्छी बात यह है कि पौधा स्वस्थ रहना चाहिए। पौधा स्वस्थ रहने के लिए आप मिट्टी का भी उपचार कर चुके हैं, बीज का भी उपचार कर चुके हैं, पोषक तत्व की मात्रा देना सुनिश्चित कर चुके हैं, तो बीमारियां कम लगेंगी। आर्द्रता के समय से कभी कभी आप काले धब्बे या मिट्टी में हो सकता है पत्ती सिकुड़ी हुई जैसी दिखाई दे, हालांकि बरसात में कम दिखाई देती है, तो अगर वैसा दिखाई दे तो डायथेन M45 करके दवा आती है, डायथेन M45 3% का घोल बना करके, मतलब 3 ग्राम 1 लीटर पानी में, 0.3% हुआ, 3 ग्राम 1 लीटर पानी में आप घोल करके और उसमें उसका हर एक 15 दिन पर छिड़काव करें, तो पत्ती में दाग धब्बे वगैरह के कारण हो सकता है फल में भी दाग धब्बे वगैरह लगें, तो ये नहीं लगेगा। अच्छी फसल के लिए रोग सहिष्णु किस्मों का प्रयोग करें। 3 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं तथा गोबर की सरी खाद एवं खली खेत में डालें। तो कैसी रही, अच्छी थी ना जानकारी? जानकारियां हमारे पास और भी है, लेकिन वक्त की कमी है, तो अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा, जी हाँ, वादा है। तो कहीं जाइएगा नहीं, फटाफट कागज़ और कलम निकालिए और हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार, लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।